शारीरिक शिक्षा संघ एवं सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर सर्व कर्मचारी संघ और शारीरिक शिक्षा संघ के कर्मचारियों ने पूरे हरियाणा प्रदेश में जेल भरो आंदोलन के अंतर्गत जोरदार प्रदर्शन किया। इसी सिलसिले में आज शारीरिक शिक्षा संघ और सर्व कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। अम्बाला से हमारे संवाददाता बरखा राम धीमान की रिपोर्ट। अगले कदम पर भी जाएंगे, ये सरकार को समझना चाहिए। और यह आंदोलन आपको बता दूं, हरियाणा का अपने इतिहास का सबसे अनुशासनात्मक आंदोलन है और सरकार को हमारी मांग अवश्य ही माननी पड़ेगी। और हम तब तक आंदोलन इसी प्रकार करते रहेंगे। हम भिन्न भिन्न रणनीतियां लेकर आएंगे, हम विभिन्न तरीके से सरकार के पास आएंगे। सरकार को हमारी बात हर हालत में माननी ही होगी। आज हमारी मांग मुख्य रूप से जो बतानी है सरकार को, सरकार ने जो गलत तरीके से 23 तारीख को पेपर की घोषणा कर रखी है, सरकार इस घोषणा को रद्द करे और इन 1983 पीटीआई को तुरंत बहाल करे। मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे ही मौके पे आपने ये आंदोलन क्या किया? देखिए, जब घर में दाने नहीं होते, भूख होती है तो बाहर निकलना पड़ता है। हम ही वो लोग हैं जो स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को उससे पहले सिखाया करते थे कैसे कार्यक्रम करने हैं, और हमारे पूर्वजों ने यह स्वतंत्रता दी है, हमने इसको बनाए रखना है। लेकिन अगर सरकार हमें कमजोर करेगी नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो हम आज के दिन भी सरकार को दिखाएंगे कि तुम्हारे गलत कदमों से हम कमजोर नहीं हो सकते। हाँ, हम इस हक में हैं कि हम अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे, भविष्य में भी मनाएंगे, लेकिन हम अपनी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। आज आपका अगर सरकार अपने हक नहीं आएगी तो हम कुछ भी कर गुजरेंगे अपने हक। देखिए, हमारे साथ आज 200 से 300 के लोग गिरफ्तारी देने वाले हैं। और रही बात उग्र की, उग्र का मतलब कोई हिंसात्मक बात नहीं होती, उग्र के रूप और भी होते हैं। हमारी संघर्ष समिति को रणनीति बनानी आती है कि सरकार के सामने हमने दोबारा कैसे जाना है। आपने 90 के 90 विधानसभा ज्ञापन सौंपा, क्या आपको उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जबकि अनिल विज गृह मंत्री है, उनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो है ये हाई कोर्ट का हमारे तरफ से किसी को नहीं हटाया गया। सरकार कोर्ट को तो वैसे ही मुद्दा बना रही है, कोर्ट कोई मुद्दा नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है उनका पालन क्या कहें? देखिए, सरकार सरकारी कर्मचारियों को और सरकारी विभागों को समाप्त करने के लिए नए नए बहाने तलाश करके लाती है। अब उसने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों को बहाना बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमाने में शाहबानों केस में भी आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमाने में SYL में भी आया था, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी सरकार के समय में SC ST एक्ट के बारे में भी आया था। क्या हमारे माननीय MLA उसके विषय में भी कुछ कहेंगे कि उन फैसलों को कैसे बाईपास किया गया है? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने इस फैसले को गलत तरीके से लागू किया है। फैसले में लॉकडाउन समाप्त होने के 5 महीने बाद की जिन स्थितियों का वर्णन किया गया है, इस सरकार ने उन्हें आनन फानन में बहुत गहरे चलते लॉकडाउन में ही लागू कर दिया है। अगर आपका जेल यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, अगर आपका लोग जेल भरो आंदोलन के बावजूद भी आपकी सरकार मान नहीं मानती, इसको लेके आपका अगला कदम क्या रहेगा, क्या आप करोगे? देखिए, हमारा आंदोलन, मैंने पहले ही कहा, बहुत अनुशासनात्मक आंदोलन है। हम जो रणनीति बनाते हैं वो राज्य स्तरीय समिति बनाती है। राज्य स्तरीय समिति आज के आंदोलन के बाद जो भी स्थितियां रहेंगी उन पर बैठकर विचार करेगी और आगे की रणनीति बनाएगी।
प्रधानमंत्री।